बाबर ने अपनी तरफ उंगली उठाई, मोहसिन साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बाबर की तरफ उंगली बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, उनकी कप्तानी की तरफ उठा रहे हैं। खैर कुछ टेक्निकल लोग भी उठा रहे हैं टेलीविजन पे बैठ के, कोई नॉन टेक्निकल लोग तो बहुत ज्यादा ही ये जो है सवाल पूछ रहे हैं कि बाबर कर क्या रहे हैं बतौर कैप्टन। इसके साथ साथ एक कंपैरिजन निकला है कि जी जब सरफराज अवेलेबल है आपके पास कप्तानी के लिए तो वर्ल्ड कप के लिए आपको एक सीनियर खिलाड़ी की भी जरूरत है, और जब एज अ कैप्टन बाबर फेल हो रहे हैं, सिर्फ प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करके जिताना है और कैप्टनसी नजर ही नहीं आ रही है, तो फिर आप सरफराज से बाबर को रिप्लेस कराएंगे, बाबर से सिर्फ और सिर्फ उनकी बल्लेबाजी क्यों नहीं करवाते, इस पे जो है वो आपका क्या रिस्पॉन्स? देखिए ये आपने बड़ा क्रूशियल सवाल, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जवाब दूं, लेकिन बहुत क्रूशियल आपने सवाल किया। जब सरफराज कैप्टन था तो मैं एक प्रोग्राम कर रहा था एक साहब के पास जो सरफराज के बहुत क्लोज हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए बाबर को इन्होंने टेस्ट का और वनडे का कैप्टन बना दिया, बस इतना रखें, तीनों फॉर्मेट का नहीं बनाए। कैप्टन के लिए रात को सोना मुश्किल हो जाता है अगर वो जब कैप्टन होता है, दिन भर वो फील्ड के ऊपर दिमाग भी इस्तेमाल कर रहा होता है और फिजिकल, और रात को वो प्लानिंग कर रहा होता है आगे की, टीम मुसीबत में है तो निकालना किस तरह है, अच्छाई में है तो ऊपर किस तरह और ले जाना है। तो मैंने ये कहा कि बस इनको उतनी में ड्यूरिंग द प्रोग्राम हुआ कि तीनों फॉर्मेट का उसको कैप्टन बना दिया। मैंने कहा ये क्या कर दिया उन्होंने, वो बच्चे को सोने नहीं देंगे ये रात को, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया आपने, उसको रेस्ट भी करो। और फिर क्या होता है, अगर आप जैसे दो का एक बन गया, दो के आप बन गए, एक का शोएब बन गए, तो शोएब जो है प्रिपेयर हो रहा है एज ए कैप्टन, तैयार हो रहा है, आपको कैप्टन तैयार भी करना पड़ता है। कुछ कैप्टन बने बनाए मिल जाते हैं, कुछ अब मैं आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिजवान, आई एम टेलिंग यू आई फील ही इज गॉट द काइंड ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज पोटेंशियल परफॉर्मेंस एंड एंथुसियाज्म कि जो वो, और विद तमीज, बदतमीजी नहीं, तो वो एक बड़ा जबरदस्त कैंडिडेट है। अब यहाँ पे अगर शाहीन कैंडिडेट है वेरी गुड, मैं पर्सनली फील करता हूँ सरफराज ने जो अपनी कैप्टन, और मैंने तो वो साहब ने मुझसे कहा जब ये तीनों में अनाउंस हुआ तो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा ये क्या किया इन्होंने, कहाँ बेचारे के ऊपर दिन रात का उसके ऊपर बोझ जा रहे, तो उन्होंने कहा मोहसिन साहब अच्छा तो है अपना बच्चा, मैंने कहा अपना बच्चा है जब ही तो कह रहा हूँ, और पाकिस्तान में कराची के एक कोने से आखिर कोने तक हर बच्चा हमारा बच्चा है। मैंने कहा उसको सोने तो दे रात को, याद है आपको वो स्टेज आ गई थी किस इंटरव्यू में वो रो पड़ा था कि मैं पिछले 5-6 रातों से सोया नहीं हूँ। बाबर के साथ भी इन्होंने क्रिकेट बोर्ड को चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करे, और एक या जैसे अब टीम में लेट्स से अब शाहीन भी एक कैंडिडेट बन गया है, पहले से रिजवान, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिजवान एज अ क्रिकेटर, एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर एंड एज अ कैप्टन की अगर वो बनता है, बिकॉज उसने प्रूव करके भी दिखाया पोटेंशियल है उनके अंदर, एक कॉर्नर ले लेते हैं। मैं बस एक बात को खत्म कर रहा हूँ कि यहाँ क्रिकेट बोर्ड को स्टेप इन करना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग, मैं क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा बहुत प्यार से इनको समझा के कि डू नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट अफेयर्स इफ समबडी इज अनाउंस एज द कैप्टन, और खुदा के वास्ते तीनों फॉर्मेट का एक मत बनाएं, एक कप्तान तैयार भी करते जाएं, ये जरूरी नहीं कि ये मैं भी नहीं कह रहा हूं अलग अलग तीनों के बनाएं, नहीं ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल बाबर अगर बनता है टेस्ट और वनडे का, आप किसी शाहीन को या इसको रिजवान को एक बनाएं, और अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है वनडे के लिए सरफराज का तो आप उसे यूज कर सकते हैं, सरफराज के लिए। हाँ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।